नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि कब्ज दूर करता है, एसिडिटी मिटाता है, पेट में गैस का गोला बन रहा हो तो उसको बाहर निकाल देता है, पेट में जलन और सीने में जलन को ठीक करता है, महिलाओं में होने वाली पीरियड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, फिर चाहे पीरियड टाइम से नहीं आने की प्रॉब्लम हो या फिर पीरियड कम आना और पीरियड में दर्द होने की प्रॉब्लम हो, और तो और ये चीज आपके ब्लड प्रेशर को भी बिल्कुल नॉर्मल कर देती है। तो चलिए देखते हैं ये चीज क्या है। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसकी चटनी बनाकर आप अक्सर खाते होंगे। दही या रायते का स्वाद बढ़ाने के लिए भी बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बहुत ही सस्ती और बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज का नाम है पुदीना, यानी मिंट लीव्स। पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पुदीना ना मिले, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम का है। पुदीना या मिंट लीव्स में मेंथोल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, रिबोफ्लेविन, कॉपर, आयरन आदि भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए ये नेचर की दी हुई बहुत ही बढ़िया और स्वास्थ्य वर्धक चीज है। आयुर्वेद के अनुसार पुदीना कफ और वात दोष को कम करता है, भूख बढ़ाता है, मलमूत्र संबंधित बीमारियों को ठीक करता है, शारीरिक कमजोरी दूर करता है, ये दस्त, पेचिश, बुखार, पेट के रोग, लीवर आदि समस्याओं को भी ठीक करता है। पुदीना हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी बहुत सारी ब्यूटी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, अनियमित मासिक धर्म को ठीक करता है, मुहासे और उनसे होने वाले घावों को ठीक करता है, बढ़ती उम्र का असर स्किन पर कम करता है जिसके कारण आप अपनी असल उम्र की तुलना में जवान दिखने लगते हैं और आपके चेहरे पर ऐसी चमक, ऐसा ग्लो आ जाता है कि जो आपको किसी क्रीम या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से भी नहीं मिल सकता। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए पुदीने को कैसे कैसे यूज करना है ताकि इस पुदीने के बड़े बड़े फायदे आपको घर बैठे ही मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इररेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए और पीरियड में होने वाले दर्द को कम करने के लिए पुदीना कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आइए ये देखते हैं। इररेगुलर पीरियड्स की दवा तैयार करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि ताजा पुदीने की 15-20 पत्तियों को एक गिलास पानी में डालकर तब तक उबाल लेना है जब तक कि पानी आधा न रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तब इस पानी को छान लीजिए। बस 5 मिनट में अनियमित मासिक धर्म यानी इररेगुलर पीरियड्स को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया और आसान घरेलू दवा बनकर तैयार हो गई है। आपको ये आधा गिलास पानी रोजाना सुबह पीना है। इसे आप खाली पेट भी पी सकते हैं और नाश्ता करने के 1 घंटे बाद भी पी सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी इसे पिए तो इसे ताजा बनाकर ही पिए और गर्म ही पिए। जैसे आप गर्म चाय पीते हैं वैसे ही एक एक घूंट करके इसे गर्म ही पीना है। आपको ये पुदीने का पानी पीरियड्स की डेट से 10 दिन पहले पीना शुरू करना है और फिर पूरे महीने पीना है। इस दौरान पीरियड्स शुरू हो जाएं तो भी इलाज को बंद नहीं करना है, रोकना नहीं है, चालू ही रखना है। जिनको इररेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है उनको 1 महीने में पीरियड्स की प्रॉब्लम इस पानी को डेली पीने से पूरी तरह ठीक हो जाती है। ऐसा रिजल्ट हमने सैकड़ों बार अलग अलग एज की गर्ल्स और लेडीज में देखा है, इसलिए ये घरेलू नुस्खा इररेगुलर पीरियड्स को ठीक करने के लिए बहुत ही कमाल का नुस्खा है, इसमें कोई शक नहीं है। ब्लड प्रेशर ठीक रखने में पुदीना एक कमाल की नेचुरल दवा का काम करता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको पुदीना कैसे फायदा पहुंचा सकता है, आइए ये देखते हैं। दोस्तों, एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके कहा कि दवाई लेने के बाद भी उनकी मम्मी का बीपी बहुत ज्यादा हाई है और नीचे नहीं आ रहा है, उनकी लाइफ के लिए मैं डर लग रहा है। ये कहते कहते वो रोने लगे। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं एक नुस्खा बताता हूँ, उसे तुरंत बनाकर दो और एक एक्यूप्रेशर भी बता देता हूँ जो कितना भी बीपी हाई हो जाए तुरंत काम करेगा और 5-7 मिनट में ही बीपी नॉर्मल आ जाएगा। मैंने कहा कि एक कटोरी पुदीने की पत्तियां मिक्सी में डालो, साथ में 2-3 चुटकी काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल लो और इसको पीस लो, पुदीने की चटनी बन जाएगी। पुदीने की इस चटनी की 2-3 चम्मच तुरंत इनको खिलाओ। उन्होंने कहा कि हम अभी बनाकर इसे खिलाते हैं। फटाफट 2 मिनट में उन्होंने चटनी तैयार कर ली और तुरंत उनको खिला दी। 5-7 मिनट में ही उनका आराम आने लग गया। तब वो मुझसे कहने लगे कि पुदीने की चटनी कभी कभी हम खाते हैं पर ये इतनी ज़बरदस्त दवा है हमको मालूम नहीं था। मैंने कहा कि ये घरेलू नुस्खे बहुत तेज़ी से काम करते हैं और बनाने और यूज़ करने में भी बहुत आसान होते हैं, लेकिन बस हमको इनके बारे में मालूम नहीं होता। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में इसको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। अब आप ऐसा करना कि अभी तो हर 2 घंटे से 1-1 चम्मच ये पुदीने की चटनी को खिलाना और फिर कल से दोनों टाइम खाना खाने के साथ इसे खिलाना। इससे बीपी नॉर्मल रहेगा, बढ़ेगा नहीं, इससे पेट भी साफ रहेगा और गैस भी नहीं बनेगी, क्योंकि पेट की गड़बड़ी और गैस से भी कई बार बीपी हो जाता है। तो अगर इनको इसकी वजह से बीपी बढ़ रहा होगा तो वो प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि जरा कपड़े सुखाने की 4 चिमटियां ले आइए ताकि हाई बीपी का एक्यूप्रेशर भी कर दें।
वो चिमटियां ले आए। मैंने एक चिमटी उनके बाएं हाथ की बीच की उंगली में लगा दी और दूसरी चिमटी उसी हाथ की सबसे छोटी उंगली में लगा दी। इसी तरह से तीसरी चिमटी उनके दाएं हाथ की बीच की उंगली में लगा दी और चौथी चिमटी दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में इस तरह से लगा दी। मैंने उनसे कहा कि जैसे ही आपको अनईजी लगने लगे तो आप बता देना, इनको उतार देंगे। 5 मिनट बाद ही उन्होंने कहा कि अनईजी लग रहा है, तब मैंने उन चिमटियों को उतार दिया और फिर बीपी नापा तो बीपी नॉर्मल था। सब लोग ये देखकर चकित रह गए। मैंने कहा कभी भी ऐसी बात हो तो इसे तुरंत कर डालना और इसे रोजाना दिन में एक बार इसी तरह से करना, बीपी हमेशा नॉर्मल बना रहेगा, जान का खतरा भी नहीं रहेगा। सबकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो खुशी के आंसू थे क्योंकि उनकी माँ की जान अब खतरे से बाहर थी। तो दोस्तों, आप भी हाई बीपी के इस बेहद आसान इलाज को यूज कीजिए, अपनी लाइफ सेव कीजिए और लाइफ बढ़ाइए। कब्ज, एसिडिटी, पेट में गैस का गोला हमेशा बने रहना, पेट में जलन और एसिडिटी के कारण छाती में जलन के लिए पुदीना हमको नेचर की दी हुई सबसे शानदार चीजों में से एक है। आइए देखते हैं कि पेट की बीमारियों के लिए पुदीने का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी जीरा पाउडर, अजवाइन पाउडर, धनिया के बीजों का पाउडर, काला नमक, हल्दी पाउडर, सौंठ यानी अदरक का पाउडर और पुदीने की पत्तियों का पाउडर। ये सभी चीज़ें आपको रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच जीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच अजवाइन पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया के बीजों का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंठ यानी अदरक का पाउडर और 1 चम्मच सूखी हुई पुदीने की पत्तियों का पाउडर डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। अब रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद इस तैयार चून की सिर्फ 1 चम्मच लीजिए और इसको 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। 10 मिनट बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसको पी लीजिए। रोजाना रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद इस नुस्खे का इस तरह सेवन करने से सोते समय हमारी बॉडी डिटॉक्स होने लगती है और भोजन पूरी तरह पचने के साथ साथ पेट में जमा गंदगी भी साफ होने लगती है। इसमें मौजूद सौंठ, अजवाइन और जीरा भोजन को अच्छी तरह से पचाता है और आंतों में चिपकने नहीं देता। साथ ही ये भोजन में मौजूद सारे जरूरी पोषक तत्वों को हमारे शरीर में पूरी तरह से पहुंचाते हैं। इसमें मौजूद पुदीना हमारे पेट को ठंडा बनाए रखने का काम करता है। इस नुस्खे का रात में इस्तेमाल करने के बाद अगली सुबह आप देखेंगे कि आपका पेट बड़ी आसानी से पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। 1 हफ्ते में ये नुस्खा कब्ज को बिल्कुल ठीक कर देता है। अगर कब्ज बहुत पुरानी है तो आप इस नुस्खे को हर 1 या 2 दिन छोड़कर 1 महीने तक इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कब्ज की समस्या हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो आप भी पुदीने को यानी कि मिंट लीव्स को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।